रागिनी अपने पति मोहित के प्रदेश जाने के बाद देवर मुकेश कुमार के गठीले बदन और मजबूत शरीर की दीवानी हो गई और वे उसे अंदर ही अंदर 61-62 गेम खेलने के लिए दिलो जान से चाहने लगी। मगर क्या करें, बेचारे उसका देवर मुकेश कुमार उसे भाव ही नहीं दे रहा था, जिसके चलते भाभी रागिनी बेहद परेशान हो गई और परेशान होकर अंदर ही अंदर सोचने लगी, अब मैं क्या करूँ, हमारा देवर तो मुझे भाव ही नहीं दे रहा है, कैसे अपने देवर को 61-62 गेम खेलने के लिए राजी करूं। ऐसी बातों को मुकेश कुमार की भाभी रागिनी बार बार अपने मन के अंदर सोच ही रही थी, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया और वह प्लान के तहत एक दिन जब उसका देवर मुकेश कुमार दोपहर का भोजन कर रहा था, तभी वह अर्धनग्न अवस्था में होकर बाथरूम में जाकर नहाने लगी। इधर रागिनी का देवर जब खाना पानी खाकर हाथ धुलने के लिए बाथरूम के पास लगे नल पर पहुंचा तो उसकी नज़र अचानक बाथरूम में नहा रही अपनी भाभी रागिनी के ऊपर पड़ गया। जैसे ही मुकेश कुमार हाथ धुलने के लिए बाथरूम के पास लगे नल पर पहुंचा और जवान खूबसूरत भाभी रागिनी को अर्धनग्न अवस्था में नहाते हुए देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और 61-62 गेम खेलने के लिए मचल उठा। मुकेश कुमार जवान था, वे अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि जवान खूबसूरत भाभी को अर्धनग्न अवस्था में देखकर खुद पर संयम नहीं रख पाया और दबे पांव बाथरूम में घुस गया और पीछे से अपनी भाभी रागिनी को बाहों में भर लिया और प्यार करने लगा। रागिनी तो पहले से ही अपने देवर मुकेश कुमार के साथ 61-62 गेम खेलने के लिए बेकाबू थी, इसलिए वे खुद को अपने देवर के बाहों में पाकर कुछ नहीं बोली और शरीर ढीला करके उसका साथ देने लगी। अब जैसे ही देवर मुकेश कुमार अपनी जवान खूबसूरत भाभी रागिनी का साथ पाया तो वह समझ गया कि लगता है भाभी भी हमारी 61-62 गेम खेलने के लिए तैयार है। तभी तो वे हम बार बार हमारे हरकतों को इग्नोर करके हमारा साथ दे रही हैं। ऐसा सोचकर देवर मुकेश कुमार तुरंत अपनी भाभी को गोद में उठाया और अपने कमरे में लेकर चला आया, जहां उसने लगातार धरने से 61-62 गेम खेलते हुए अपनी भाभी रागिनी के शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर दिया। दोस्तों, जब एक बार किसी स्त्री का किसी पराए मर्द से अवैध संबंध बन जाता है तो ये सिलसिला यही नहीं रुकता है। ठीक ऐसे ही अब रागिनी पहली बार अपने देवर मुकेश कुमार से हम बिस्तर होने के बाद इतनी खुश हो गई कि वे आए दिन मौका मिलने पर अपने देवर मुकेश कुमार को रूम में बुलाकर अपनी जिस्म की भूख को मिटाने लगी। इस तरह भाभी और देवर के बीच लगातार कई महीनों तक बिना किसी भय के परिवार वालों की चोरी छुपे नाजायज संबंध बनते रहे। कभी भाभी देवर के रूम में आकर तो कभी देवर भाभी के रूम में जाकर दोनों एक दूसरे का लगातार धरने से साथ देते रहे, यानी 61-62 करते रहे। जब समय के साथ धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो एक दिन मुकेश कुमार की भाभी रागिनी ने घर से भागकर देवर मुकेश कुमार से शादी करने की जिद पर अड़ गई। इस दौरान मुकेश कुमार पहले तो अपनी भाभी को बार बार समझाता रहा, मगर जब उसकी भाभी रागिनी नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही तो वह मजबूर होकर एक रात अपनी भाभी रागिनी को लेकर घर से फरार हो गया, जिसके बाद रागिनी के पति ने प्रदेश से वापस आकर इसकी सूचना पुलिस स्टेशन में जाकर दी। फिलहाल पुलिस पीड़ित पति के तहरीर पर मुकेश कुमार और रागिनी दोनों की खोजबीन में जुट गई है। तो दोस्तों, आप आपराधिक मानसिकता को समझें और आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें।